नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे के दिन कहाँ काम काज कर सकता है और हमने क्या डिस्कस करके गए थे फ्राइडे के लिए। तो फ्रेंड्स, क्लियरली मैंने कहा था कि 17,580 के सॉरी 18,580 के ऊपर ही हम कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे एक शॉर्ट की जा सकती है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इमिडिएटली एक शॉर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको एक शानदार यानी कि डिप मिली और नीचे तक एटलीस्ट आपने प्रीवियस मतलब 100 पॉइंट का मार्केट ने डिप दिया है, करीबन 480 और ऊपर में 573, मतलब 100 पॉइंट का आपको खुलते ही मार्केट ने एक डिप दिया। एसएल मैंने ज्यादा नहीं बताया था, 15,800 18,600 के आसपास का एसएल बताया था। कल का वीडियो एनालिसिस पड़ा है, बिलीव नहीं होता तो देख लीजिएगा। तो ये एक शॉर्ट की पोजीशन डेफिनेटली बनती थी और मार्केट नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले गया। सपोर्ट लिया क्यों लिया, यहाँ पे नीचे सपोर्ट था, ठीक है। दूसरा, एक 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे, थ्री इनसाइड कैंडल्स बनी है, थ्री इनसाइड कैंडल बनी, यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन देखनी थी, ठीक है। यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन देख के आप शानदार अगेन 100 पॉइंट ऊपर की साइड में आप आराम से ले सकते थे। तो मार्केट ने ओवरऑल एक छोटी सी रेंज, वैसे 100 पॉइंट की रेंज है, एक्सपायरी वाले दिन भी अपन यही डिस्कस करके गए थे। रीजन क्या है, एक नीचे के लेवल पे टच नहीं करना चाहता, ऊपर के लेवल पे बड़ी रुकावट आनी है। तो बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस करके गए थे, तो बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन डेफिनेटली हमने 44,160 के ऊपर ही 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो ही हम कॉल लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम पुट की पोजीशन बना लेंगे। मार्केट का एक सपोर्ट कैंडल ये भी था, 43,816 भी था, तो यहाँ पे भी एक ये सेम थ्री इनसाइड कैंडल्स बुलिश कैंडल है, ये सपोर्ट पे बनती है, तो यहाँ से एक बढ़िया अप मूवमेंट आपको मिला। ऊपर पे अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा 43,950 का लेवल 15 मिनट कैंडल पे मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे करीबन उसके आसपास उससे नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया था, ऊपर नहीं था। तो कॉल की पोजीशन के लिए मार्केट स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन नीचे के लेवल पे अगर किसी ने लिया हो तो डेफिनेटली एक बुलिश मूवमेंट मिला था। प्रीमियम में हमने कोई ट्रेड कराई नहीं, और कल किस तरह से मंडे को ट्रेड कर सकते हैं, तो चलिए एक हम डोजी टाइप बना के गया है मार्केट। अगेन न्यूट्रल होती है डोजी, डोजी के नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पे एक या तो एक अप मूवमेंट दे दे या एक डिप नीचे की देगा, तो दोनों लेवल के लिए हम रेडी रहेंगे। और मूव भी आपको शानदार मिलेगी, एटलीस्ट 150 के आसपास निफ्टी के अंदर मूव मिल सकती है। तो गाइस, जब तक आप लोग लर्न नहीं करेंगे तब तक अर्निंग नहीं मिलेगी, ये स्पेशली ध्यान रखना। तो कॉल की पोजीशन अगेन फ्रेंड्स हमारी वही सेम रहेगी, 18,580 के ऊपर एक लेवल डिसाइड इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि बार बार यहां से रिजेक्शन खा रहा है, डेफिनेटली एक ये पॉइंट है। लेकिन एक जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एम पैटर्न का, तो वो एक इस तरह से बनने के लिए ये वाला पॉइंट तोड़ना जरूरी है जो कि 18,580 का है। तो 18,580 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, ऊपर में टारगेट आपके हो जाएंगे 18,640 तक के, कॉल की पोजीशन में टारगेट हो गया। एसएल आपका 10 पॉइंट का या फिर 15 पॉइंट का, 18,565 का आपका एसएल हो गया। अगर मार्केट आपका ये वाला लेवल तोड़ेगा तो ही हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एक कॉल की अपॉर्चुनिटी ही हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट या ये पॉइंट है करीबन 18,460 का लेवल है, 65 के आसपास का लेवल है, तो ये ब्रेक होगा तो ही हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली हम शॉर्ट कर सकते हैं, 18,580 का लेवल अगर नहीं टूटता है, वहां से अगर एक हैमर बन के एक 5 मिनट कैंडल पे कंफर्मेशन मिल जाएगी, इसी के हाई का एसएल लगा के एक स्मॉल एसएल के साथ में पुट की पोजीशन 1:10 तक के रिवॉर्ड है। मतलब कल अगर किसी ने ट्रेड किया हो तो 20 पॉइंट का एसएल था और 100 पॉइंट आपको मिले हैं, तो 1:5 का ट्रेड मिला, आराम से डेफिनेटली आंख बंद करके जाए। अब गैप अप है गैप डाउन होगा नीचे की साइड में, तो डेफिनेटली हम एक कॉल की पोजीशन ही देखेंगे कहाँ तक। तो आपका एक लेवल है नीचे के साइड में, अगर आप देखें तो नीचे अगर आता है तो करीबन 18,300 18,400 का लेवल हो गया। ये पहले 300 के आसपास था क्योंकि आज पूरा दिन इसने टाइम पास करके 2 दिनों से ये करीबन डिप मार गया, तो 18,400 के आसपास अगर मिलेगा तो
18400 के आसपास मिलेगा, तो एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे 18400 से, और एसएल फिर हम रखेंगे 18385 का एसएल रख के फिर एक ऊपर की साइड में 18520 तक के लिए एक कॉल की पोजीशन में लेके जाएंगे। बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, गैप अप की सिचुएशन और बता दूं निफ्टी के अंदर, अगर गैप अप होता है तो इस रेंज का थोड़ा ध्यान रखना, 18665 का लेवल है ये, अगर ये वाला लेवल 15 मिनट कैंडल पे टूटता है तो फिर हम एक फर्दर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, उसका फिर टारगेट आपका करीबन आ जाएगा 18750, 18700, 18700, 700, मतलब 50-60 पॉइंट के लिए आप और उसके अंदर ऊपर गैप अप पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ऊपर के लेवल से अगर 18580 का लेवल टूट जाता है तो फिर समझ लेना मार्केट बेयरिश है, या तो वेट कर लें, उस हिसाब से ट्रेड बनेगी। और मार्केट के चांसेस आई थिंक सो गैप अप के ही लग रहे हैं। तो बैंक निफ्टी वन डे चार्ट पे किस तरह से दिख रहा है, एक डोजी फॉर्मेशन बनाया है, डोजी है, क्लोजिंग डेफिनेटली जो एक ट्रेंड लाइन थी हमारी ये वाली, इसके नीचे ही है, अगेन एक ट्रेंड लाइन ये चल रही है, इसके पास में सपोर्ट भी है इसका, तो चार्ट पे अगर देखते हैं तो वही सेम है, एक ऊपर की साइड देखो कोशिश कर दी है, ऊपर की साइड का बन गया, तो एक ऊपर के, भाई देखो मैंने कितनी बार समझाया कि ऊपर के लेवल पे ये एम पैटर्न बनाने के लिए एटलीस्ट इसको 44400 के आसपास की क्लोजिंग चाहिए, या फिर क्लोजिंग भी नहीं मिलती तो इसको करीबन 44400 44500 के आसपास इसको टच करके आना है, अगर गैप अप होके फिर फर्दर डाउनफॉल दे देता है तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चार्ट में फिर ये क्या होगा इस तरह से एक बन जाएगा, क्योंकि ये जो बनती है ये ओनली भरी हुई कैंडलें बनती है, तो भरी हुई कैंडल का मतलब हो गया कि एटलीस्ट आपके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, तो हाल फिलहाल के लिए बुलिश है, बियरिश होगा तब देखेंगे। तो कल किस तरह से ट्रेड करें हम, तो कॉल की पोजीशन डेफिनेटली 44160 के ऊपर ही लेंगे, लेकिन नीचे में सपोर्ट पे मिलेगा तो डेफिनेटली खरीदेंगे, 43770 के आसपास मिलेगा तो एक कॉल की पोजीशन में लेंगे 43770 के आसपास, या 43700 के आसपास मिलेगा तो कॉल की पोजीशन ले जाएंगे, एसएल फिर हमारा रहेगा 43650 का, और ऊपर में आपके टारगेट हो जाएंगे 43850 और 44050 तक के टारगेट। तो गैप डाउन की सिचुएशन हो गई, गैप अप अगर होता है तो डेफिनेटली कॉल की पोजीशन अवॉइड है, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं, लेवल है आपका 44160 या फिर 44165 के 200 के एसएल के साथ में, ऊपर जितना मिले हाल फिलहाल इसको शॉर्ट करते रहो, क्योंकि काफी टाइम से मैं ये लेवल देता आ रहा हूँ और मार्केट ने आपको शानदार रिटर्न भी दिए हैं, जैसे ही देखो ये ब्रेक दिया यहाँ से, ये 160 का ही लेवल है कल एक्सपायरी वाला दिन, वहां से भी शानदार आपको डिप दिया, और इससे पहले ऊपर जाने से पहले जितनी बार यहाँ पे टच हुआ वहां से अगेन एंड अगेन इसने डाउनफॉल ही दिए हैं, तो 44160 जितनी बार आया है वहां से आपको 100 पॉइंट, 400 पॉइंट, 300, 400, 500 पॉइंट तक के, जैसे ये आया, ये करीबन आया मई 23 मई को, 23 मई से फिर 24 मई, 24 मई के बाद में 25 मई, 3 दिन के अंदर आपको 43400 तक के लेवल दे दिए। तो हाल फिलहाल ये वाला लेवल क्रूसियस लेवल है, जब तक ये नहीं क्लोज होता ऊपर में तो फिर कॉल की पोजीशन हाल फिलहाल नहीं बनती, क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये माना जाएगा कि ये एक ट्रैप था, ऊपर की साइड में ये जो गया है मार्केट ये एक ट्रैप है, तो गैप अप की पोजीशन क्लोजिंग 18450-60 के ऊपर की कैंडल, लेकिन अगर भरी हुई कैंडल है, डोजी बन रही है, डोजी के ऊपर क्लोज हुआ है, तो डोजी के ऊपर 15 मिनट कैंडल पे ट्रेड मत लो, ठीक है, ट्रेड ओनली देखो दिमाग लगा लो, 15 मिनट की कैंडल देख लो, 15 मिनट कैंडल देख ली, जिधर मार्केट नेक्स्ट कैंडल से इसको या तो ऊपर की साइड क्लोज करेगा तो कॉल की पोजीशन बनेगी, या फिर नीचे की साइड क्लोज करेगा तो पुट की पोजीशन बनेगी, सिंपली इसी स्ट्रेटेजी पे भी अगर आप ट्रेड करते हो तो 1:2, 1:3 की ट्रेड आपको आराम से मिल जाएगी। तो वीडियो गाइस अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम में जुड़ें, और लर्निंग अगर सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियोस मेरे वैसे भी इस पर डाले हुए हैं, तो 199 का प्लान है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।